हमारे साथ भाविन देसाई है। भाविन, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को, क्योंकि काफी वॉलिटिलिटी और लोगों का फोकस बैंक्स पर था, अंत में 219 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स जाकर टिका है, तो क्या ये फोर फ्रंट पर आएंगे? निजी बैंक और चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में मौका है, स्टेट बैंक, बीओबी जैसे? कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे एक चांस लिया जा सकता है। अपने आप में निफ्टी भी, हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स कुछ हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले दिनों में शायद एक आउट परफॉर्मेंस वाली स्थिति दिखाई दे, जहां पे गिरावट भले पूरे दुनिया के पूरे सारे बाज़ारों में हो, पर बावजूद इसके हम कम गिरें। और जब तक बात बैंक निफ्टी की है, तो वहाँ पे लगभग 14,000 का लेवल एक ऐसा है जहाँ पे काफ़ी सारी पुट राइटिंग हो रखी थी, और कहीं ना कहीं एक झुकाव ओवर पेसिमिस्टिक सिनारियों को इंडिकेट कर रहा था, जो ऑप्शन का झुकाव है वो, तो वो लेवल डिफेंड कर चुका है। तो टेक योर पिक, आपको जो समझ में आता है वो। हम ज़्यादा प्राइवेट बैंक की तरफ अपना झुकाव रखेंगे, पर कहीं ना कहीं एक सौदा ज़रूर बनता है, और सेफ रहें, एट द मनी ऑप्शंस बाय करके चलें। मुझे लगता है कि अगर ये मूव चल जाता है तो 3 से 4 दिन में आपको इसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। रेलवे स्टॉक्स तेजी से भागे हैं, टेक्स रेल देखिए, कालिंदी रेल देखिए, बसिन साहब उस पर आपसे एक राय लूंगा, क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है? लेकिन उससे पहले ओएनजीसी के लिए बता दूं, जिस वजह से तेज गिरावट होती दिख रही है, अभी ओएनजीसी को जो सेस लगता है वो $9 प्रति बैरल लगता है, यानी कि फिक्स है। अब होगा ये कि एड वेलोरम यानी कि क्रूड के दाम के हिसाब से लगेगा 20%, तो अभी तो लगभग $6 लगेगा, यानी कि $3 की अभी भी बचत है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। लेकिन अगर आपको डर ये कि क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो फिर ओएनजीसी के लिए सेस बढ़ सकता है, तो फिलहाल तो अगर कोई नेगेटिव खबर आप ढूंढना चाहें ओएनजीसी के लिए तो शायद यही हो सकती है। लेकिन हम पॉजिटिव खबर की बात कर रहे थे बसिन साहब, रेलवे स्टॉक्स में दमदार तेजी हुई है, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रेलवे के लिए और रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा है, 1,08,000 करोड़ का वित्त मंत्री ने, क्या ये खबर काफ़ी है खरीदारी करने के लिए इन शेयरों में? यदि हाँ तो आप क्या खरीदेंगे? हाँ देखिए अनिल, रेलवे के स्टॉक्स हमेशा एक महीना पहले बजट से, रेल बजट से बहुत तेजी में आते हैं और फिर बजट के बाद एकदम रुक जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट, लेकिन अभी हमें लगता है रेल बजट हैज बीन अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। मिस्टर सुरेश प्रभु इज वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग मिनिस्टर, जिन्होंने बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच रखा है, और हमें लगता है जिस तरह का बजट दिया है, जिसमें अभी यूनियन बजट में भी काफ़ी एलोकेशन है ऑन रेलवेज ऑन रोडवेज, तो हमारे 2 पिक्स वहाँ पे हैं जो टॉप पिक्स हैं, और हमें लगता है लेकिन ये 6 महीने के लिए नहीं, 1 से 1.5 साल की अवधि के लिए रखिए। कॉनकोर इज द फर्स्ट पिक देयर ऑन द लॉजिस्टिक साइड और टेक्स मैको, वी थिंक दीज 2 स्टॉक्स कैन गिव यू वेरी स्टेलर रिटर्न्स, और अभी कहीं भी आपको घबराहट मिले आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, ये दोनों 30 से 35% का रिटर्न 1 से 1.5 साल में जरूर दे सकते हैं। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कुछ स्टॉक्स में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आज के पूरे ट्रेड को देखकर बड़ा सवाल यही है राकेश कि यहाँ से आगे कल की रणनीति क्या होगी, क्योंकि कल तक ऑफकोर्स और भी फाइन प्रिंट आएगा। 6996 पर निफ्टी की समाप्ति रफली हुई है, 7,000 के हल्के से नीचे 6987 अब जो अपडेटेड लेवल आया है मेरी स्क्रीन पर। निफ्टी को अब कैसे ट्रेड करने वाले हैं अब कल सुबह? हर्षिता, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं है, नीचे से एक रैली जरूर देखी है, टेक्निकली देखें तो 6880 के अराउंड डबल बॉटम लगा के एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनके एक रिवर्सल बना, बट ऊपर की तरफ मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और चांसेस गिरने के ज्यादा लगते हैं। दूसरा हर्षिता, अगर आप देखें ग्लोबल मंदी है जैसे सब कहते हैं, बट ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने 7.5% की रैली दिखाई है बॉटम से, अगर हमारे यहाँ सिमिलर रैली आई होती तो हम 7500-7600 पे ट्रेड कर रहे होते। अगर यूएस मार्केट्स में दोबारा से करेक्शन आती है और जो गेन उन्होंने दिखाए हैं और वापस वो रिसेंट लोस को टेस्ट करता है तो हमारा बाजार कहाँ जाएगा, क्योंकि बजट में कुछ पॉजिटिव तो है नहीं और मार्केट्स नेगेटिव ही लग रहे हैं। बैंकिंग ओवरसोल्ड है, बैंकिंग में एक रैली जरूर देखने को मिली है और वो रैली भी बेसिकली इस एक्सपेक्टेशन पर है कि शायद रेट कट आएगा, बट टेक्निकली देखें तो ऐसे कोई पैटर्न्स नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक को इन स्तरों पर लॉन्ग किया जाए, बट डेफिनेटली टेक्निकल पैटर्न बैंकिंग स्टॉक्स में इस तरीके का है कि शॉर्ट्स को काट लेना चाहिए, सिर्फ यही चीज पॉजिटिव है, एल्स उछाल पे बेचना ही चाहिए, मुझे टेक्निकली ऐसा लगता है। चलिए तो उछाल में बिकवाली करें बैंकिंग शेयरों में, लेकिन बैंकिंग शेयरों के लिए बड़ा ट्रिगर जो होगा वो ब्याज दरों में कटौती का होगा, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं,
हमारे पड़ोसी देश चीन में ब्याज दरों में कटौती हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। तो हमारा बजट देखने के बाद आज चीन ने ब्याज दरों में कटौती की है, आधा परसेंट की वो भी। मुझे उम्मीद है कि गवर्नर साहब भी थोड़े बहुत प्रेशर में आएंगे और होपफुली वो रेट कट आएगा, क्योंकि वही मोड को सुधार सकता है। लेकिन फिलहाल जो है हम आज थोड़ी सी नरमी के साथ ही टिके हैं, बैंक्स में कुछ जोश जरूर था उस रेट कट की उम्मीद में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, भाविन, राकेश, संदीप और सुदीप हमारे लिए समय निकालने के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे कुछ और जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, गौरांग शाह हमारे साथ होंगे और वो बताएंगे अब यहाँ से आगे क्या रणनीति और कौन से शेयर वो अपने रेडार पर रखेंगे जिसमें निवेश अभी बनता है।